गाइस हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम प्रिया। मी आयुषी। टुगेदर वी प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के। और अगर आज की वीडियो के बारे में बात करें तो आज की वीडियो धुकुर धुकुर वाली वीडियो, साथ ही साथ एक क्राइम की स्टोरी, दोनों की मिक्सचर होने वाली है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन या डिस्क्लेमर कैसे दिया जाए। हम बस इतना कहना चाहते हैं ना कि इस कैमरे के उधर साइड बैठे हर एक इंसान, डज नॉट मैटर कि आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आप में से हर एक लोग ना आज की इस कहानी से रिलेट करने वाला है। आप किसी भी एज ग्रुप के हो, डजंट मैटर आप अगर टीनेजर हो या फिर अगर आप पेरेंट्स हो या फिर आप दादा दादी या नाना नानी बन चुके हो, प्लीज इस वीडियो को देखना क्योंकि आज की इस वीडियो हम लोगों को काफी कुछ सिखाने वाली है। एंड आज की ये स्टोरी जो हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं ये ज्यादा दिन पुरानी नहीं है बल्कि हाल फिलहाल की है। तो चलो अब ज्यादा डिले नहीं करते हैं, फटाफट आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले रानी, इन लोगों को अपनी सीट की पेटी कस के बांध लेने की जरूरत है क्योंकि आज की इस वीडियो में सीरियसली कलेजा आप लोगों का दहल जाएगा। दिल धुकुर धुकुर तो करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आज आप लोग बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को क्या करना है, अपने कान पे ईयरफोन लगा के रूम की लाइट्स को ऑफ कर लेनी है। और धुकुर धुकुर वाली आंटी इस वीडियो में तो आएंगी, तो उसका भी वेट जरूर करना। चलो दीदी आज की वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है। डजंट मैटर आप एक लड़के हो या फिर लड़की हो, प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि जब आप लोग टीनेज में थे या फिर जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं एंड अभी आप लोग टीनेज में हो, तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि एक लड़का कभी लड़की का दोस्त नहीं बन सकता या फिर एक लड़की कभी लड़के से दोस्ती नहीं कर सकती? मतलब लड़का और लड़की के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, दोनों की इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर है, दोस्ती से आगे उन लोगों को कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन स्टिल वो लोग खुले में साथ में ट्यूशन नहीं जा सकते, साथ में एक बेंच पे नहीं बैठ सकते, इनफैक्ट क्लासरूम में भी साथ में नहीं बैठ सकते, लंच ब्रेक में साथ में लंच नहीं कर सकते, छुट्टी के बाद साथ में घर नहीं आ सकते, कैफे में नहीं जाके बैठ सकते, ब्ला 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 ब्ला। अगर आप अपने एक मेल फ्रेंड या फीमेल फ्रेंड, बेसिकली ऑपोजिट जेंडर वाले दोस्त के साथ कहीं रास्ते में चलोगे भी ना, तो 10 तरीके के बात बनाएंगे लोग। हमारे साथ ऐसा बहुत होता था, इन केस अभी कुछ टाइम तक भी होता था, इसलिए हमारे जो भी मेल फ्रेंड्स होते थे ना, उन लोगों को अगर हम लोग रोड में देख भी लेते थे एंड बगल में मम्मी पापा या कोई रिलेटिव है, तो हम लोग उनको हाई भी नहीं बोलते थे ये सोच करके कि बगल वाला इंसान या फिर रास्ते में अगर हमें कोई देख लेगा तो उसको लगेगा कि जरूर हम दोनों का कोई चक्कर है। मानो या ना मानो, सारे लोगों ने अपने लाइफ के कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे इस चीज को फेस तो जरूर किया होगा। एंड आज की कहानी भी इसी बारे में है कि एक मासूम सी बच्ची जिसका उसके फ्रेंड के साथ बहुत ही नॉर्मल दोस्ती का रिश्ता था, लेकिन समाज के द्वारा लगाए गए उसके चरित्र पर लालछन के कारण उसने कैसे गलत कदम उठाए और आगे उसके साथ क्या क्या होता है, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक कहानी है। और ये कहानी हम लोग आपके साथ इसलिए भी शेयर कर रहे हैं कि अगर आपके लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है या इन केस फ्यूचर में कुछ होगा या फिर अगर आप लोग पेरेंट्स आपके बच्चे के साथ कुछ होगा ना, तो आपको पता है कि सिचुएशन को कैसे संभालना है, कैसे टैकल करना है। खैर घटना है 2020 की, पटियाला के एक छोटे से गांव में रह रहे एक परिवार। अगर उस परिवार की इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में बात करें तो भगवान की कृपा से किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, बहुत ही नामी गिरामी परिवार था, समाज में उनका बहुत इज्जत एंड बहुत रुतबा हुआ करता था। और अगर उस परिवार के मुखिया के बारे में बात की जाए तो 3 भाई थे जो कि साथ में ही रहा करते थे, मतलब आज के जमाने में 3 भाई उनके पूरे परिवार काइंड ऑफ बहुत बड़ी फैमिली हो जाएगी, साथ में रहना बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल के जमाने में लोग न्यूक्लियर फैमिली में ज्यादा भरोसा रखते हैं। खैर तीनों भाई बहुत ही ज्यादा प्यार से रहा करते थे। जो बड़े भाई थे ना उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा एंड एक बेटी। जो बेटा है उसका नाम हम लोग अजय रख देते हैं एंड अजय ने ही आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर वाले भाई थे ना उनकी इकलौती बेटी ही थी एंड जो तीसरे नंबर वाले भाई थे उनका भी एक बेटा एंड एक बेटी थी। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, अगर हमारे हाथ में 5
उंगलियां हैं तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। ऐसे ही अगर एक घर में एक साथ पांच छह कजन रह रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे की बॉन्डिंग आपस में इक्वली अच्छी हो। हमारे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि किसी भाई के साथ आपका रिलेशन ज्यादा मजबूत होगा, किसी बहन के साथ में भी ना हो। तो सेम जो अजय है ना, दूसरे नंबर वाले चाचा जिनकी केवल इकलौती बेटी थी उसके साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। चलो उस लड़की का नाम हम लोग रख देते हैं रिया। तो अजय एंड रिया काफी क्लोज थे और हम उम्र भी थे, एक साल का गैप था उनके उम्र में। एंड अगर बात की जाए रिया की तो रिया का नेचर बहुत ही ज्यादा शांत और सुशील था। वो लड़की बहुत ही ज्यादा अकेले में रहना पसंद करती थी, बहुत सारे लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी। वहीं अगर अजय की बात की जाए तो अजय बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट था, उसे लोगों के साथ मिलना जुलना बहुत पसंद होता था। अजय तो रिया को बोलता भी था कि यार रिया बाहर निकल घूम फिर, लेकिन रिया अपने कमरे में रह करके क्वालिटी टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद करती थी। अच्छा एक चीज और आप लोगों को बताना है, जैसा कि हमने आपको बताया अजय एंड रिया का परिवार पटियाला के एक छोटे से गांव में रहता था, तो गांव में लड़कियों के ऊपर फिर भी आज के टाइम पे थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन तो होती ही होती है। एंड अगर अजय के परिवार के बारे में बात करें तो उनके परिवार में लड़कियों के ऊपर थोड़ी ज्यादा ही रिस्ट्रिक्शन थी, और वो रिस्ट्रिक्शन थी लड़कों के साथ दोस्ती नहीं करनी है, लड़कियों के साथ भी अगर दोस्ती कर रही हो तो लिमिटेड लड़कियों के साथ दोस्ती करो, दोस्ती यारी में अपनी लाइफ खराब मत करो, पढ़ाई करो जितनी करनी है, और एक बार अगर अपनी लाइफ में आप लोग सेट हो जाओगे तो उसके बाद जो करना है करो। तो सेम रिया के साथ भी यही सीन था। एक टाइम था कि शाम के 4 बजे के बाद रिया बाहर नहीं जा सकती, रिया लड़कों से दोस्ती नहीं कर सकती, और बचपन से रिया जो उस माहौल में पली बढ़ी थी ना कहीं रिया ने भी खुद को बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट कर लिया था। बचपन से ही रिया को डांस करने का बहुत ज्यादा शौक था, इनफैक्ट बड़े होकर उसका बस एक ही सपना था कि उसे एक बेहतरीन डांसर बनना है। लेकिन इस कला को लेकर उसके परिवार वालों में से किसी ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया। इनफैक्ट रिया ने जब अपने परिवार वालों से इस बारे में खुल के बातें की कि प्लीज मुझे डांस क्लासेस ज्वाइन करने दो, तो सारे परिवार वालों ने सख्त मना कर दिया, स्पेशली उसके पापा जी ने, क्योंकि उसके पापा आई थिंक गुरुद्वारे के कुछ ऊंचे पोस्ट में थे और उसके पापा जी ने तो स्ट्रिक्टली बोल दिया कि ये नाच गाना हमारे घर में नहीं होता है, समाज में मेरा इज्जत है, बाहर हम जाएंगे तो सब मेरे को क्या बोलेंगे कि आपकी बेटी नाचती गाती है, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना उतना पढ़ो, अगर तुम्हें नाच गाना करना है तो मैं तुम्हें पढ़ने भी नहीं दूंगा। अब ये चीज देखकर सुनकर रिया बेचारी चुप हो जाती है, और जो सिचुएशन घर का था ना, जिस माहौल में वो पल बढ़ रही थी उसी में बेचारी ढल जाती, क्योंकि उसके आवाज उठाने से और अपने परिवार वालों के खिलाफ जाने से बेचारी को कुछ खास फायदा होने वाला नहीं था। पर इसी बीच देखो क्या होता है, एक दिन की बात है, शाम का समय था, रिया के जो सबसे छोटे वाले चाचा थे उनका जो बेटा था ना शाम के समय चौराहे पर अपने 5-6 दोस्तों के साथ खड़ा था, नॉर्मल उन लोगों में बातें हो रही थी। इसी बीच क्या होता है, उसी ग्रुप का एक लड़का अपना फोन निकालता है एंड एक फोटो निकालता है, उस फोटो को वो रिया के कजन ब्रदर को दिखाता है। यू वोंट बिलीव, उस फोन में फोटो जो थी ना उसमें रिया थी एंड रिया के साथ एक लड़का था, एंड वो लड़का रिया के कजन का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगा कि अरे भाई तेरी बहन तो खुलेआम लड़कों के साथ घूम रही है, गांव में तेरी बहन तो हीरोइन बन गई है। आप समझ सकते हो ना, सारे लोगों की मेंटालिटी एक जैसी नहीं होती, एंड एक लड़का लड़की का फोटो एक अगर भाई को दिखाया जाए और उसका मजाक उड़ाया जाए तो भाई को बुरा लगता है। एंड यहाँ पर उन लोगों ने तो रिया का इतना मजाक उड़ाया कि रिया के कजन ब्रदर को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। यहाँ पर रिया के कजन ब्रदर की भी गलती नहीं है, वो बेचारा भी 13-14 साल का था, उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, लड़कों ने उसे इतना ह्यूमिलिएट किया उसकी बहन को लेकर के ना कि वो बच्चा दौड़ करके अपने घर गया। घर जा करके परिवार के सारे मेंबर को उसने सारी बात बता दी, और कहते हैं ना कि जब बातें एक जुबान से दूसरे जुबान से तीसरे जुबान तक जाती है तो 75 तरह के मिर्च मसाले लग जाते हैं। सेम रिया और उस लड़के के बीच में केवल दोस्ती थी, लेकिन यहाँ पर उस फोटो में रिया एंड उस लड़के को ऐसा पोर्ट्रे किया गया था जैसे वो लोग कपल हो, रिलेशनशिप पे हो, एंड फोटो बहुत नॉर्मल थी, जैसे हम दोनों है ना बैठे हुए सेम ऐसे मुस्कुरा करके दोनों लोग खड़े थे, और वो फोटो उस लड़के ने
अपने दोस्त से ले ली थी और घर के सारे मेंबर को उसने दिखा दिया था। इनफैक्ट रिया के पापा जो कि घर में नहीं थे, उनके व्हाट्सएप में भी उन लोगों ने फोटो को सेंड कर दिया था। फोटो देखते ही रिया के पापा ने कुछ रिप्लाई तो नहीं किया, लेकिन वो भागते हुए घर आए। जब सारे लोग घर में इकट्ठा हो जाते हैं ना, तब रिया को बुलाया जाता है एंड रिया को सीधे से उसके पापा वो फोटो दिखा करके बोलते हैं कि ये क्या है, जल्दी बता और सच बता क्योंकि मुझे झूठ नहीं सुनना। यहाँ पर रिया को इस चीज की बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बेचारी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसे पता था कि उसकी फैमिली कितनी ज्यादा कंजर्वेटिव है और यहाँ पर रिया अगर कुछ भी बोले तो कोई भी उसकी बात का भरोसा नहीं करने वाला। यहाँ पर रिया के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन आ गई थी। डर के मारे रिया को समझ नहीं आता है कि क्या करे एंड उस लड़की ने झूठ बोल दिया कि पापा ये फोटो मेरी नहीं है, ये एडिटेड फोटो है, ये लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ था और अगर मैंने इससे बात नहीं की तो इसने धमकी दी थी कि ये मेरे साथ बहुत बुरा करेगा और मुझे लगता है ना कि शायद इसने फोटो एडिट करके डाल दी है। यहाँ पर रिया के जो छोटे चाचा जी थे, जिनका बेटा था, जिनके बेटे ने सारी बात फैलाई थी, उस छोटे चाचा जी ने सारी बात को बिगाड़ दिया। वो चाहते तो माहौल संभाल सकते थे, लेकिन वहां पर वो क्या बोलते हैं, अरे ये कहां से एडिटेड दिख रहा है, देखो तो किसी ने स्क्रीनशॉट लिया है, हमें बेवकूफ बनाती हो, आजकल के बच्चे हमें बहुत बेवकूफ समझते हैं। और ऐसा कह के ना वो आग में घी डालने का काम कर रहे थे। उसके बाद जो टॉन्टिंग स्टार्ट होती है कि इस लड़की ने हमारे खानदान का नाम बिगाड़ दिया, ये देखो एक और बहन तो है, मेरी बेटी भी तो है, मेरी बेटी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, पता नहीं लड़कों से दोस्ती करके तुम लोगों को क्या मिलता है, ब्ला 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 ब्ला। इतना ज्यादा बुरा भला उन सारे लोगों ने रिया को कहा ना कि बेचारी रिया शर्म से पानी पानी हो गई और उसके पापा को भी बहुत बुरा लगा। उसके पापा के आंखों के सामने रिया की बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही थी, लेकिन उसके पापा कुछ भी नहीं कह पा रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो उनकी बेटी की भी थी। हालांकि वो गलती नहीं थी, लेकिन उन्होंने घर में जैसा सिचुएशन क्रिएट कर रखा था ना, उन लोगों के लिए वो बहुत बड़ा गुनाह था कि उनके घर की बेटी ने किसी लड़के के साथ फोटो खिंचवाई है और उस लड़के ने फोटो को स्टेटस पे डाल दिया है। खैर इसके बाद उसके पापा ने रिया से बात ही करनी बंद कर दी। रिया अपने पापा के पास जाती है, गिड़गिड़ाती है, उन्हें काफी मनाने की कोशिश भी करती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। रिया ने अपने पापा के पैर पकड़ के उनसे माफी भी मांगी, उनसे ये भी कहा कि पापा जो हो गया सो हो गया, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन इससे भी बात नहीं बनती है। अजय ने रिया को समझाया कि देख रिया टाइम दे, टाइम के साथ सारी चीजें ठीक हो जाएगी, लेकिन रिया बेचारी गिल्ट में मरे जा रही थी। रिया को बस एक ही चिंता खाई जा रही थी कि व्हाट इफ ये फोटो अब पूरे गांव में सर्कुलेट हो जाएगी, मेरी क्या इज्जत रहेगी, मेरे पापा की क्या इज्जत रहेगी, आज घर वाले मेरे पापा को बुरा भला कह रहे हैं, मेरे को बुरा भला कह रहे हैं, कल को जब ये फोटो पूरे गांव में फैल जाएगी, पूरे गुरुद्वारे के लोगों तक फैल जाएगी, तब मेरे पापा को तो संस्था से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनकी बेटी पर प्रचलन होने का इल्जाम लगा करके। बहुत सारी चीजें थी जिससे रिया को अंदर से ही झकझोर के रख दिया था। लास्टली रिया के अकॉर्डिंग वही कल्प्रिट थी, उसी के कारण सारी चीजें हो रही थी, उसी की गलती थी और खुद की गलती को सजा देने के लिए रिया ने एक ऐसा कदम उठाया जो उसे नहीं उठाना चाहिए। यहां पर अगर कोई रिया को समझाने वाला होता या फिर उसके पापा ही 2-3 दिन गुस्सा होने के बाद शायद मान जाते ना, तो रिया के साथ वो कभी नहीं होता जो रिया ने उस समय किया। दोपहर का समय था और रिया ने क्या किया ना, अपने आप को जीते जी आग लगा दी। लाइक सीरियसली आप समझ सकते हो कि वो बच्ची कितनी ज्यादा प्रॉब्लम में होगी, कितना ज्यादा ट्रॉमेटाइज किया होगा उस बच्ची को कि 16-17 साल की बच्ची ने ऐसा कदम उठाया और ऐसा कदम उठाने से पहले शायद उसने एक बार भी नहीं सोचा था। रिया ने जब ये कदम उठाया तब वो अपने कमरे में थी और दिन के 11 बज रहे थे और रिया का कमरा फर्स्ट फ्लोर पे था। जैसे ही रिया को अपने बॉडी में जलन महसूस होती है ना, वो अपने कमरे से बाहर निकल के चिल्लाने लगती है और इधर उधर भागने लगती है। गनीमत की बात तो ये थी कि रिया ने अपने कमरे को लॉक नहीं करा था। रिया बाहर निकल के चिल्लाने लगती है और उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था क्योंकि उसे बहुत जलन महसूस हो रही थी। और इसी चक्कर में क्या होता है कि वो अपने बालकनी से ही नीचे, अब यहाँ पर नीचे गिरने के बाद भी वो चिल्लाने लगती और बस एक ही चीज चिल्ला रही थी कि मुझे बचा लो, मैं तो अब मर ही जाऊंगी। अब यहाँ पर उसकी आवाज सुन के सारे परिवार वाले इकट्ठा हो जाते हैं। रिया के फेस से ये दिखाई दे रहा था कि उसने इम्पल्सिवली ये डिसीजन लिया है
लेकिन उसे मरने का खौफ भी बहुत ज्यादा है। उसे डर लग रहा है कि अब वो बच नहीं पाएगी। यहाँ सारे परिवार वाले क्या करते हैं ना, जल्दी से उसके शरीर पे पानी डाल के आग तो बुझा लेते हैं, लेकिन आग बुझने के बाद ये देखा जाता है कि रिया का जो बॉडी पार्ट का लेफ्ट हिस्सा है ना, वो पूरी तरह से जल चुका है। जल्दी से उसे पटियाला के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर जो वहां के थे वो क्या करते हैं, इमरजेंसी में उसकी मरहम पट्टी तो कर देते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि इसका इलाज हम लोग यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि इसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है, तो आप लोग एक काम करो, इसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दो क्योंकि बचने की इसकी लास्ट उम्मीद वही हॉस्पिटल है। अब पटियाले से पीजीआई चंडीगढ़ हॉस्पिटल का जो रास्ता था ना, वो 2 घंटे का था। रिया को एम्बुलेंस में ही उस हॉस्पिटल ले जाया जाता है और बर्न यूनिट में एडमिट कर दिया जाता है। अब रिया को एनेस्थेसिया भी डॉक्टर नहीं दे सकते थे क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी कि अगर उसे बेहोश कर दिया जाता ना तो शायद वो कभी होश पे नहीं आती, और होशो हवास में ही उसका पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके जलने से सारे कपड़े ना उसके स्किन में ही चिपक गए थे, होश में ही उसे हटाया जा रहा था, उसका लेफ्ट गर्दन पूरी तरह से टिल्ट हो चुका था, उसका भी ट्रीटमेंट होशो हवास में किया जा रहा था। बेचारी बहुत दर्द में थी लेकिन उसके फेस पे एक स्माइल थी। इनफैक्ट रिया के सारे फैमिली मेंबर रो रहे थे उसकी हालत देख के, लेकिन उल्टा रिया ही अपने सारे परिवार वालों को चुप करवा रही थी, हिम्मत दे रही थी कि बर्न यूनिट में आप लोग देखो तो कितने लोग पड़े हुए हैं और इनफैक्ट उनकी हालत तो मेरे से भी ज्यादा खराब है, आप लोग क्यों रो रहे हो और ये सारी जो हालत की मेरी जिम्मेदारी है अपने ऊपर क्यों ले रहे हो, आप लोगों की कोई गलती नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट तो कर देते हैं जैसे तैसे, पर बाहर निकल के रिया के परिवार वालों को बस एक ही चीज कहते हैं कि इस बच्ची को बचा पाना मुश्किल की बात है, बेचारी कम से कम बस एक हफ्ते की मेहमान है, शायद उसके बाद ये सांसें लेना बंद कर दे। अब यहाँ पर जैसी सारे परिवार वालों को रिया के इस हालत के बारे में पता चलता है, उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और रिया के पापा रोते गिड़गिड़ाते रिया के पास आते हैं और उसके पैरों को पकड़ के उससे माफी मांगने लगते हैं कि बेचारी बच्ची मुझे माफ कर दो, अगर मैं तुमसे गुस्सा ना करता तो शायद तुम ये कदम नहीं उठाती। पर यहाँ रिया अपने पापा को समझा के ये कहती है कि नहीं पापा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपने आप को मेरी हालत का जिम्मेदार नहीं समझो। 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, रिया को वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया जाता है। अब डॉक्टर ये कहते हैं कि रिया के बचने की हालत मात्र 3% रह चुकी है, और जैसे ही अजय को इस बारे में पता चलता है वो फटाफट रिया से मिलने के लिए उसके पास हॉस्पिटल चल जाता है। और जैसे ही अजय रिया से मिलता है ना, रिया ने वहां पर अजय को बोला कि देख अजय, मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखना। अजय रोते रोते बोलता है, अरे बहन मैं क्यों ध्यान रखूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम कहीं नहीं जा रही हो, खुद घर आओ, खुद से मम्मी पापा का ध्यान रखो। रिया हंस करके बोलती है, अरे भाई मैं सच में कहीं नहीं जा रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन जब तक मैं नहीं हूं ना तब तक मेरे मम्मी पापा का ध्यान रख लेना, पापा बहुत रो रहे थे। और कहीं ना कहीं रिया के मन में ये चीज आ चुकी थी कि अब वो ज्यादा टाइम की मेहमान नहीं है, और उसने अजय से बोला कि भाई मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज उसे मान लेना। अजय ने बोला क्या, रिया ने बोला कि भाई मेरे कबर्ड में ना मेरे डांस वाले घुंघरू है, प्लीज उसको हटा देना, प्लीज मेक श्योर करना कि पापा तक वो घुंघरू ना पहुंचे, पापा को कभी नहीं पसंद था कि मैं डांस करूं, अगर पापा को मेरे बाद वो घुंघरू दिख गए ना तो पापा मुझसे और नफरत करने लगेंगे और मैं नहीं चाहती कि पापा मुझसे और भी ज्यादा नफरत करे। ये बात सुन के ना अजय का जो दिल है वो टूट सा गया, वहां पर तो वो कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन घर जाने के बाद ना उसने रिया के कबर्ड से घुंघरू हटाए और वो घुंघरू अपने पास रख लिए अपनी बहन की लास्ट निशानी समझ करके। यार रिया को डांस से इतना प्यार था, वो अपने घुंघरुओं को जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। वो लड़की जो अभी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रही है तब भी उसे अपने घुंघरुओं का याद आ रहा था, वो चाह रही थी कि उसके घुंघरू हट जाए, सेफ हो जाए। तो आप समझ सकते हो कि रिया का अपने कला के साथ कितना गहरा संबंध था। खैर इसके बाद 2-3 दिनों के बाद ही रिया की जान चली जाती है और वो इस दुनिया को अलविदा कह लेती है। ये चीज कहीं ना कहीं घर वालों को तो पता थी ही, लेकिन जैसे ही रिया इस दुनिया को छोड़ करके जाती है ना, उसके पापा इंस्टेंटली कोमा में चले जाते हैं। रिया के पापा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उसके बाद से उसके पापा आज तक बेड
बेड रेस्ट पे ही है और उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है। अजय ने हमारे साथ एक एक पिक्चर शेयर की है, चाहे वो रिया की पिक्चर्स हो, चाहे रिया के पापा की फोटोज हो, रिया जब हॉस्पिटल में थी ना तब की फोटोज भी अजय ने हमारे साथ शेयर की। खैर उसके बाद थेरेपी कर दी जाती है। आप लोगों को एक चीज तो पता होगी कि जब भी कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसके जितने भी बिलोंगिंग्स होते हैं ना दान कर दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रिया के सारे बिलोंगिंग्स को तो घर से हटा दिया गया था, फिर भी जो रिया की सबसे ज्यादा चहेती चीज थी क्या, वो घुंघरू, वो अभी भी अजय के पास थी। और जब से तेरहवीं हुई थी ना उसके बाद से ही घर के हर एक मेंबर ने कुछ ना कुछ वियर्ड एक्टिविटी महसूस की थी। फॉर एग्जाम्पल छत पर जहां रिया का कमरा हुआ करता था वहां से धप 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 की आवाज आना, या फिर बीच रात में कभी ऐसा लगना ना कि किसी ने जोर से अंगड़ाई ली और आवाज निकाल करके जब कोई अंगड़ाई लेता है ना सेम वैसी अंगड़ाई की आवाज आती थी। कभी कभी किसी की जोर जोर से खिलखिला करके हंसने की आवाज आती थी, कभी कभी किसी के रोने की भी आवाज आती थी। लेकिन सबने क्या सोचा कि घर में अभी मौत हुई है तो हो सकता है कि रिया की आत्मा को शांति न मिली हो, सबने इग्नोर कर दिया इस चीज को। घर के सारे लोग बहुत ज्यादा दुखी थे, उनके सर पे एक साथ दो दो दुखों का पहाड़ टूटा था, एक रिया, दूसरे रिया के पापा जो कि जीते जी जिंदा लाश बने हुए थे। यहाँ पर अब अजय के 12th बोर्ड भी आ रहे थे, साथ ही साथ अजय की खुद की बहन के 11th के बोर्ड्स भी थे, इलेवेंथ के एग्जाम थे। एंड घर का जो भी माहौल था उस कारण से उन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई थी। घर के सारे लोग बहुत दुखी थे इंक्लूडिंग अजय और उसकी बहन, जिस कारण से उन लोगों का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी अजय और उसकी बहन ने डिसाइड किया कि वो लोग अब 2 से 3 घंटे ही सोएंगे और दिन रात पढ़ाई करेंगे और अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। एक रात की बात है, अजय सो रहा था, उसी बीच उसको सपना आता है। एंड देखो यहाँ पर अजय क्या सपना देखता है। अजय ने सपने में देखा कि वो रिया के ही कमरे में बैठा हुआ है एंड रिया उसके पास आकर के बोलती है कि अरे भाई तुम लोग इतना दुखी क्यों हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज मेरे पापा का ख्याल रखना और तुम लोग ना पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, जो होना था वो हो गया, तुम लोगों के पास जितनी जिंदगी बची हुई है ना इसको अच्छे से जियो। और ये सपना देखते ही अजय की आंख खुल जाती है, वो काफी ज्यादा डर जाता है, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है। इसके बाद एक और चीज हुई थी, अजय के घर में एक डॉगी था, उन लोगों का पालतू डॉगी था और वो डॉगी हमेशा आधी रात में अपने बालकनी में बैठ जाया करता था और रिया के कमरे की तरफ देखता था और भौंकता था, और वो नॉर्मली नहीं भौंकता था, वो डर डर के भौंकता था, ऐसा लगता था ना कि वो कुछ देख रहा है, वो दूसरों को बताना चाह रहा है लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। ऐसा कहा भी जाता था कि जो जानवर होते हैं वो नेगेटिव एनर्जीज को काफी अच्छे से फील कर सकते हैं। एंड इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई थी। एक और कौन सी घटना थी रानी, मेरे को याद नहीं आ रही। अब यहाँ पर पता है आप लोगों को, जब अजय रात में पढ़ता था ना तो उसे कैसा लगता था कि कोई घुंघरू पहन के डांस कर रहा है, क्योंकि अजय रात में जगा ही करता था तो किसी की खुसफुसाहट हो गई या फिर कोई देख के हंस रहा है या फिर दर्द में चिल्ला रहा है। अब अजय के लिए ये तो नॉर्मल डेली रूटीन हो गया था कि रात में ये सारी चीजें ना उसे सुनाई देती थी। यहाँ पर घर का माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना हो गया था क्योंकि रिया की प्रेजेंस सभी लोगों ने कभी ना कभी तो फील की ही थी, लेकिन हाँ इस प्रेजेंस के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था। लास्ट में एक बहुत ही ज्यादा जानी मानी बाबा को बुलाया जाता है एंड उनसे शांति पूजा करवाई जाती है। शांति पूजा तो हो जाती है लेकिन फिर भी कोई असर नहीं होता है। दूसरे पंडित को बुलाया जाता है, मतलब कि झाड़ फूक करने वाले को। तो आपको पता है उस झाड़ फूक करने वाले ने क्या बोला, उसने बोला है कि रिया एक छोटी सी बच्ची थी जिसका अभी इस दुनिया से जाने का समय नहीं आया था। बेसिकली रिया की अकाल मृत्यु हुई थी, वो भी बहुत ही ज्यादा तकलीफ में, इसीलिए वो बच्ची भटक रही है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। साथ ही साथ अपने मौत के बाद रिया ने अपने पापा की जो हालत देखी है ना, जिस कारण से भी उसकी आत्मा इस दुनिया को छोड़ करके नहीं जाना चाह रही है, वो अपने पापा के पास रहना चाह रही है। और रिया को ऐसे भेजना उसकी दुनिया में
जो दुनिया इस इंसानों की दुनिया से काफी ज्यादा अलग है, बहुत टफ है। और साथ ही साथ रिया की कुछ ना कुछ तो बिलोंगिंग है जो कि अभी भी आप लोगों के पास है, और जब तक रिया की कोई ना कोई बिलोंगिंग रहेगी रिया नहीं जाएगी। अजय के पास वो बिलोंगिंग थी, लेकिन यहाँ पर अब अजय के पास दो सिचुएशन था, या तो अपनी बहन के बारे में सोचे या अपने पूरे परिवार के बारे में सोचे। यहाँ अजय ने अपने परिवार के बारे में सोचा एंड रिया की वो जो घुंघरू थी वो उस झाड़फूक करने वाले को दे दी। झाड़फूक करने वाले ने पूजा पाठ तो किया, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी भी रिया की आत्मा को शांति नहीं मिली है। हाँ, अब रिया अपने प्रेजेंस को मोस्ट ऑफ द टाइम फील नहीं करवाती है, कभी कभी उसकी प्रेजेंस फील होती है, लेकिन रिया अभी भी उन लोगों के आस पास है। इस चीज का उन लोगों के पास पुख्ता सबूत है, क्योंकि आज भी रात में वो लोग रिया की प्रेजेंस को फील करते हैं। अब इस कहानी में गलती किसकी थी कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन गलती किसी की भी हो सजा पूरे परिवार वालों को भुगतनी पड़ी, वो भी बहुत बुरे लेवल पे। आप कमेंट करके अपने राय बताना कि इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हो, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नए हो और हमारा ये प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं ऐसी कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय।